जो भारत सरकार के कैंपस हमें दिया गया है। उसके अलावा अब हमें भारत सरकार ने शाखा ओपन करने की या कैंपस ओपन करने की परमिशन दी है, तो अभी नजदीक के समय में हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा कम से कम 4 या 5 कैंपस ओपन करने का प्लान है। उसमें 2 कैंपस को भारत सरकार ने मान्यता दी है, जो है गोवा कैंपस और दूसरा है त्रिपुरा कैंपस। एक भारत के ईस्ट साइड में है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूरे कवर करेगा, और एक वेस्ट साइड में भारत के गोवा में है, जो इंटरनेशनल लेवल का भी वहां पर ट्रेनिंग सेंटर और एजुकेशन सेंटर बनेगा। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में ऐसी डिमांड आई हुई है कैंपस ओपन करने की, वो भारत सरकार के मान्यता के लिए हमने सबमिट की है। भारत सरकार जब मान्यता देगी उस तरह के कैंपस खोलेंगे। तो ऐसे हमारा प्लान है कि पिछले आने वाले 5 साल में कम से कम 5 या 10 कैंपस भारत में उपलब्ध हो, जिसमें हम राजस्थान में कैंपस ओपन करने का प्लानिंग है, उत्तर प्रदेश में ओपन करने का प्लान है, देन महाराष्ट्र में एक उनकी संस्था है ऑलरेडी चल रही है, उसको हमारे साथ में एफिलेट करने का प्लान है। देन उसके अलावा फॉरेन में सर कोई फॉरेन के एक्चुअली 4-5 कंट्रीज से हमारे पास में प्रपोजल आए हैं कि जो अपने देश में हमारी शाखा हमारा कैंपस ओपन करना चाहते हैं, जिसमें एक आगे चल रहा है जिम्बाब्वे है, एक युगांडा है, दूसरा एक श्रीलंका है और बांग्लादेश है। 4 लोगों ने इंटरेस्ट दिखा है और बाकी अन्य देशों के साथ भी चर्चाएं चल रही है। सतत 24 कलाक समाचार जो आ माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत एप।